हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल मैं हूं अंकल राजपूत तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ मैथ चैप्टर फाइव अर्थामेटिक प्रोग्रेशन के आगे के एग्जांपल इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कवर कर लिए थे एग्जांपल वन टू एट तो इस वीडियो हम कवर करेंगे जितने भी हमारे एग्जाम्पल रह गए हैं ना वो पूरे के पूरे इसी वीडियो में एग्जाम्पल कवर करेंगे तो ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर नाइन क्या 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 दिया देखो एग्जाम्पल नंबर नाइन में क्या दिया असम ऑफ थाउजेंड रुपीज़ इन्वेस्टेड एट एट सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर देखो हमारे लिए क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारे पास सम दिया गया थाउजेंड रुपी को जिसको एट परसेंट पर इन्वेस्ट किया जाता है वो भी किस पर सिंपल इंटरेस्ट पर पर ईयर पर इन्वेस्ट किया जाता है तो उस पर हमारे कितने का इंटरेस्ट मिलता है एट परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर तो हमें कैलकुलेट करना है हर एक एंड के ईच ईयर का कैलकुलेट करना है क्या सिंपल इंटरेस्ट और डज दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन ए पी हमें बताना है क्या जो हमारे पास इंटरेस्ट दि, दिया गया है क्या वो ए पी इसको फॉर्म कर रहा है इफ सो यदि फॉर्म कर रहा है तो हमें क्या बताना है ऐसी एंड तीस ईयर का क्या करना है लिस्ट बतानी है लिस्ट बनानी है जो भी हमारे पास तीस ईयर का हमें क्या बताना है इंटरेस्ट बनाना है जो भी हमारे पास ये फैक्ट दिया गया है तो ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं हमारा प्रेस प्रसल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया गया प्रिंसिपल में दिया गया हमारे पास थाउजेंड रुपीज़ ठीक है और हमारे पास रेट कितनी दी गई है हमारे पास रेट दी गई है हंड्रेड रेट दी गई है हमारे पास एट परसेंट रेट कितने की दी गई है हमारे पास एट परसेंट की रेट दी गई है ठीक है आप देखो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर का निकालते हैं एक एक ईयर से सो यहाँ पर लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर ठीक है सबसे पहले इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में हंड्रेड आप क्या करेंगे इसी में वैल्यू पुट कर देंगे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा कितना हुआ थाउजेंड और रेट कितनी है हमारी एट परसेंट और टाइम मतलब फर्स्ट ईयर का निकालना है तो टाइम कितना हो जाएगा वन रेट हमारी यहाँ पर कितनी हो जाएगी एट परसेंट और डिवाइडेड बाय हमारा क्या होगा हंड्रेड दो जीरो से दो ज़ीरो कैंसिल तो हमारी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा एट हंड्रेड रुपीज़ ठीक है इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है पहली ईयर पर आठ सौ रुपये मिल रहा है अब देखो इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं सेकेंड ईयर का प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर ठीक है सेकंड ईयर का भी प्रिंसिपल तो हमारा सेम रहेगा थाउजेंड रेट भी वही रहेगी हमारी हर एक बार और आपकी बार सेकेंड ई ईयर का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हंड्रेड दो जीरो से दो जीरो तो आपकी बार हमारा कितने रुपीज़ मिल रहा है सोलह सौ रुपीस मिल, रुपीस मिल कितने एक सौ साठ रुपये मिल रहा है ठीक है दूसरी ईयर में कितने आते हैं एक सौ साठ रुपीस हो जाते हैं उसी तरीके से हम थर्ड ईयर का चेक करते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर क्या होगा थर्ड ईयर का निकालेंगे ठीक है तो उसी तरीके से हमारा प्रिंसिपल तो सेम रहेगा एन टू रेड भी सेम रहेगी ईयर चेंज हो जाएगा ईयर कितना आ जाएगा थर्ड ईयर यहाँ पर टाइम की जगह क्या करेंगे थ्री और इज इक्वल टू हमारे लिए कितना मिल जाएंगे टू हंड्रेड फोर्टी ठीक है टू हंड्रेड फोर्टी मिल जा देखो अब ये एक बार बताओ अब हमारे लिए तीन काफ़ी है तीन निकाल लेते हैं इससे ज़्यादा निकालने के लिए क्या अब अब देखो हमारी जो लिस्ट रहेगी यहाँ पे लिखेंगे सो यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट ऑफ क्या लिखते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर लिस्ट ऑफ़ नंबर्स लिस्ट ऑफ नंबर पहला क्या हो गया हमारे पास 80 है दूसरा क्या है 160 हंड्रेड सिक्सटी है क्या, तीसरा क्या है 240 हंड्रेड फोर्टी है क्या देखो अब इनका डिफरेंस चेक करते हैं डी इज इक्वल टू में ए टू माइनस ए वन क्या आ रहा है हमारा देखो डिफरेंस चेक करके बताना है इसको माइनस कर रहा है तो हमारे पास अगेन क्या आ रहा है 80 आ रहा है उसी तरीके से आप नेक्स्ट निकालोगे ना ने, तब भी हमारा डिफरेंस कैसा आएगा सेम यदि हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है सो so, इसका मतलब सो so, द लिस्ट ऑफ नंबर लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन ए पी फॉर्म एन ए पीज़ जो हमारी लिस्ट दी गई है वो क्या कर रही है ए पी को फॉर्म कर रही है यदि ए पी को फॉर्म कर रही है तो हमें कैसे करना है ऐसी तीस ईयर तक कब बताना है हम पता है डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ऐसी सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर थर्टी तो उस तरीके से भी यहाँ पे लग देंगे थर्टी तो हमारा थर्ड ईयर का एक दो हज़ार चार सौ हो जाएगा पर देखो बच्चों हमें इस तरीके से नहीं निकालना हमें क्वेश्चन में दिया गया कि ए पी इस की मदद से निकालना है तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है इंथ टर्म का ए एन इज इक्वल टू में क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन एन टू में डी ये हमारा फार्मूला होता है ए एन हमें ए एन की वैल्यू फाइंड करना है मतलब थर्टी ईयर एक तरीके से थर्टी टर्म की फाइंड करना है और ए हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा एक तरीके से देखो हमारी लिस्ट इस तरीके से बनी ये हमारी क्या बनाई लिस्ट तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी हमारी सेकंड टर्म और ये हो जाएगी हमारी थर्ड टर्म तो हमारी फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 80 और डिफरेंस भी हमारा कितना आ रहा था 80 आ रहा था ठीक है और हमारे पास एन माइनस वन एन टू डी अब एन कितनी टर्म्स पॉइंट करना है थर्टी टर्म का देखो फर्स्ट ईयर की बात कर रहे थे तो ए वन हो रहा था हमारा फर्स्ट ईयर पे क्या था ए वन ठीक है तो ए टू ऐसी सेकेंड ईयर पे क्या हो रहा है ए टू तो हमारे पास टू ऐसी थर्ड ईयर की बात कर रहे थे तो ए थ्री ऐसी हमारे पास कितनी ईयर की बात करना है थर्टी मतलब ए थर्टी की बात करना है ए थर्टी का निकालना हमारे पास तो एन की वैल्यू तो हमारा ए एन न, मतलब कि एन की वैल्यू तो सेम हो जाएगी तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से थर्टी तो हम सीधा फाइंड कर सकते हैं ए थर्टी इज इक्वल टू में यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करना है ए थर्टी की वैल्यू फाइंड करना है ए हमारा कितना हो जाएगा एट्टी देखो बच्चों अब ध्यान से यहाँ से ए प्लस एन एन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी थर्टी माइनस वन डिफ्रेंस कितना हो जाएगा हमारा एट्टी हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे एट्टी प्लस ट्वेंटी नाइन एन टू में क्या हो जाएगा हमारा एट्टी हो जाएगा तो ठीक है और यहाँ पर लिख देंगे प्लस अब क्या कर देंगे इसका एन कर दें सेवेंटी टू यहाँ पर कितना बचेगा टू सिक्सटीन सिक्सटीन में हम जैसी प्लस करेंगे सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस सेवनटीन तो हमारे पास कितना हो जाएगा नाइन ट्वेंटी नाइन यहाँ पर कितना हो जाएगा ट्वेंटी नाइन और ये जीरो एज था जीरो एज आ जाएगा अब देखो जीरो ज़ीरो यहाँ पे हो जाएगा ज़ीरो एट इंटू टू यहाँ पे हो जाएगा ज़ीरो यहाँ पे पावर बना जाएगी तो इसका मतलब ये भी हमारा कैसा हो जाएगा ये भी हमारा कैसा होगा थर्टी यहाँ सॉरी यहाँ पे थ्री हाँ होता सॉरी थर्टी नाइन यहाँ कितना होगा हमारा थर्टी नाइन होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा फोर और यहाँ क्या जाएगा टू तो हमारे लास्ट थर्टी ईयर में कि, कितना हो जाएंगे दो हज़ार चार सौ रुपये मिल जाएंगे उस तो यहाँ पे लेकिन सो द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्टी ईयर इज हमारे पास कितनी हो जाएंगे इज टू थाउजेंड फोर हंड्रेड हमारे पास टू थाउजेंड फोर हंड्रेड हो जाएंगे थर्टी ईयर में इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर नाइन खत्म होता है तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन तो देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर टेन एग्जाम्पल नंबर टेन में क्या दिए एन अ फ्लावर बेड एक फ्लावर बेड मतलब कि बगीचा नहीं रहता फ्लावर बेड किसको बोलते हैं बगीचा रहता है उसमें क्या रखे थे फ्लावर्स ही रखे रहते हैं है, लाइन से तो उसको क्या बोलते हैं बोल है, तो एक तरीके से फ्लावर बेड बोल सकते हैं ठीक है तो देखो आके दे आर आर ट्वेंटी थ्री रोज प्लांट एन द फर्स्ट रो देखो जो पहली रो है एक तरीके से मान लीजिए हमारी पहली रो है इस तरीके से उसमें क्या रखें गमले रखें तो पहली वाली रो हैगी ना उसमें कितने रो रखें ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री रो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री प्लान्स रखे सो so, ट्वेंटी थ्री रोसेस रखें और इसी तरीके से हमारी सेकंड रो में कितने रखें ट्वेंटी वन तो हमने मान लेते हैं सेकंड वाली, सेकंड वाली में रोस में सेकेंड वाली लाइन में हमारे कितने रोसेस रखें ट्वेंटी वन रोसे रखें उसी तरीके से हमारी थर्ड वाली लाइन जो हमारी थर्ड वाली लाइन है उसमें कितने रोसेस रखें नाइन्टी रोसेस रखें और इसी तरीके जो सबसे मान लेते हैं अब इसके बाद एक रो आएगी सबसे वाली लास्ट अब ये जाती है हमारी सबसे लास्ट वाली रो इसमें हमारे कितने रखे हैं फाइव रो रखे हैं लास्ट रो में हाउ मेनी रोज आर दे आर इन बेड तो हमें बताना इस तरीके से उसमें कितनी रोड होंगी देखो ये तो फर्स्ट थी ये सेकेंड थी ये थर्ड थी और बीच में बहुत सारी होंगी और सबसे नीचे जाके क्या रहती है हमारी फिफ्थ रो रहती है तो हम फिफ्थ सॉरी लास्ट रो में कितने रखें लास्ट रो में फाइव रखें तो ठीक है तो इसी तरीके से हमारी ए पी हो जाएगी ए पी सो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सो लिखेंगे ए तो इस तरीके से हमारी ए पीज़ क्या बन जाएगी पहली हो जाएगी ट्वेंटी थ्री उसी तरीके से दूसरे क्या हो जाएगी हमारी ट्वेंटी वन और तीसरे कितनी हो जाएगी नाइन्टीन एंड सो ऑन जो सबसे वाली लास्ट वाली है उसमें कितनी है हमारे पास फाइव है जो हमारी लास्ट वाली है ना उसमें कितनी है फाइव है ठीक है अब हमसे पूछा इसमें कितनी रोज होगी एक तरीके से हमारे लिए एन की वैल्यू पता चल जाएगी तो उससे पता चल जाएगा देखो एक तरीके से हमारी A1, ये हमारी क्या हो जाएगी ए ये हो जाएगी ए ये हो जाएगी ए और ये हो जाएगी ए यदि एन की वैल्यू पता चल गई तो हमें कितना पता चल जाएगी कौन सी रो है कितनी रोस होगी तो ठीक है सबसे पहले यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी ए की वैल्यू हो जाएगी ट्वेंटी थ्री डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा ए टू माइनस ए वन ए टू माइनस ए वन ए टू हमारे पास कितना दिया है ट्वेंटी वन और ए थ्री कितना ए वन कितना दिया है ट्वेंटी थ्री माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है माइनस का टू ठीक है तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया माइनस का टू निकल आया अब सीधा फॉर्मूला लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन एन टू में डी हमारे लिए एन की वैल्यू पता चाहिए एन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ए एन हमारा यहाँ पे ए एन हमारे पास और यहाँ पे गिवन क्या आएगा ए एन ए एन कितना है फाइव आप सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखा करो गिवन क्या क्या है ठीक है ए एन हमारे पास कितना है फाइव ए ए कितना है हमारे पास ट्वेंटी थ्री प्लस एन एन की वैल्यू हमें फाइंड करने है एन माइनस वन और देखो बच्चों हमारा डिफरेंस डिफरेंस कितना आ रहा है ये माइनस टू हम डिफरेंस यहाँ पे कब क्या वैल्यू पुट कर देंगे माइनस टू की वैल्यू पुट कर देंगे ठीक है अब देखना अब लिखेंगे फाइव अब देखिए फाइव इज इक्वल टू में ट्वेंटी थ्री माइनस प्लस अब इसको इसमें से माइनस करेंगे इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा माइनस टू एन माइनस टू एन माइनस टू एन हो जाएगा अब इसका वापस इसके साथ का इंटू करेंगे तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस तो यहाँ पे लिख सकते हैं फाइव इज इक्वल टू में ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री प्लस टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी थ्री प्लस टू ट्वेंटी फाइव टू एन अब इसको साइड ले जाएंगे तो हमारा कितना होगा इसको साइड ले जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे फाइव माइनस टू By five, देखो ये साइड आएगा ट्वेंटी फाइव तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू में माइनस टू एन अब देखो इसको यहां पे आगे सॉल्व करते हैं इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू में क्या बचेगा माइनस टू एन माइनस से साइन माइनस कैंसिल टू से कैंसिल करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा टेन सो यहाँ पे, क्या so, यहाँ पे ले, मतलब कि कितनी रोस आ रही है हमारी सो so, यहां पे लेके सो दे आर आर टेन रोस एन आ फ्लोवर बेड जो हमारा फ्लावर बेड है ना उसमें कितनी रोज उसमें हमारी टोटल टेन रोज ठीक है इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर टेन खत्म होता है तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर इलेवन तो देखो बच्चों अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर इलेवन देखो एग्जाम्पल नंबर इलेवन में क्या दिया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी टर्म्स ऑफ एन हमें क्या करना है फर्स्ट ट्वेंटी टू टर्म्स का सम फाइंड करना है तो हमारा सम का फॉर्मूला क्या होता है एस एन इज इक्वल टू में क्या होता है एन अपॉन में टू ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन एन टू में डी ये हमारा क्या होता है सम का फार्मूला होता है तो आपके लिए क्या करना फर्स्ट ट्वेंटी टू टर्म्स का कितनी ट्वेंटी टू टर्म्स का फॉर्म फाइंड करना है तो एक तरीके से एन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी ट्वेंटी टू क्योंकि फर्स्ट ट्वेंटी टू टर्म्स का सम फाइंड करना है तो एन की वैल्यू टू उसी तरीके से हमारी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी एट और डिफरेंस क्या हो जाएगा ए टू माइनस ए वन ए टू हमारे पास कितनी है थ्री और ए वन कितना दिया एट थ्री माइनस एट तो कितना बचेगा माइनस का फाइव क्योंकि एट बड़ा है इसलिए इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा फाइव ठीक है 22, अब एस एन कितनी एन की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी टू अब ट्वेंटी टू फाइंड कर रहा है और एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ट्वेंटी टू अब में क्या हो जाएगा टू ए ए की वैल्यू कितनी आ रही एट एन टू में हमने क्या कर दिया यहाँ पे एट कर देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे टू इन टू में एट प्लस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी ट्वेंटी टू माइनस वन देखो बच्चों डिफरेंस हमारा नेगेटिव आ रहा है माइनस फाइव इस तरीके से हम क्या कर देंगे ब्रैकेट अपना बंद कर देंगे अब देखो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा इलेवन और इसको करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा सिक्सटीन प्लस एट इंटू टू सिक्सटीन अब देखो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन इंटू में माइनस फाइव ट्वेंटी वन में इंटू में माइनस फाइव देखो ये इसमें से माइनस किए तो ट्वेंटी वन इंटू में फाइव अब यहाँ लिखा हमने एलेवन को एज एट एस लिखा सिक्सटीन प्लस अब फाइव के साथ देखो इंटू करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम इसका फाइव कर देंगे फाइव बन जा फाइव फाइव टू जा टेन ये माइनस साइन इसमें माइनस तो तो यहाँ पे कैसा आ गया हमारा माइनस हो गया फाइव इंटू अब देखो हम यहाँ पे इंटू करेंगे ये देखो इसको हमने जैसे ही माइनस किया तो यहाँ पे कितना बचेगा ये हो जाएगा फिफ्टीन यहाँ पे बचेगा नाइन और ये यह यहाँ पे कितना हो जाएगा नाइन तो यहाँ पे कितना बचेगा एट्टी नाइन लेकिन एट्टी नाइन कैसा बचेगा माइनस का एट्टी नाइन कैसा माइनस का एट्टी नाइन तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे माइनस एट्टी नाइन और माइनस एट्टी नाइन इंटू करेंगे तो कितना होगा नाइन देखो इलेवन का इंटू इस तरीके से एट्टी नाइन हमने किया है नाइन इंटू नाइन तो सबसे पहले देखो इसमें करते हैं नाइन को एज एट इज फिर इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं तो हमारा एट इंटू नाइन कितना हो जाएगा एट और नाइन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा नाइन एट और एट सिक्सटीन सेवनटीन और फिर एट है एक पावर बच गई थी नाइन तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा नाइन सेवन नाइन लेकिन माइनस साइन का था तो इस तरीके से हम माइनस साइन लगा देंगे ठीक है और सो यहाँ पे लगेंगे सो ये माइनस होगा एक मिनट में और अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस इस तरीके से ठीक है सो द सम ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी टू टर्म्स एज माइनस नाइन हंड्रेड सेवेंटी नाइन ठीक है तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल एलेवन खत्म होता है तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल ट्वेल्व तो देखो बच्चों अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्ल में क्या दिए इफ द सम ऑफ फोर्टीन टर्म इफ द सम ऑफ फर्स्ट फोर्टीन टर्म ऑफ एन ए पी इज कितना दिया वन थाउजेंड फिफ्टी दिया है और हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी दी है टेन है तो हमें बताना फाइंड द टेन ट्वेंटी टर्म हमसे ट्वेंटी टर्म पूछिए और हमारे पास फोर्टीन टर्म का सम कितना दिया आएगा ये फोर्टीन टर्म का सम मतलब ये एस फोर्टीन एस फोर्टीन मतलब फोर्टीन टर्म का सम ये हमारे पास फोर्टीन टर्म का सम गिवन है ठीक है यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और ये हो जाएंगे हमारे पास गिवन है ठीक है और हमारे पास फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है टेन दी है और पूछा क्या ट्वेंटी टर्म ए टेन ए टेन को फाइंड करना है तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस नाइनटीन डी एक तरीके से ए प्लस नाइनटीन डी ए और डी की वैल्यू फाइंड करना है देखो जनरल फॉर्म में निकल लिया करो वो हाल कन्वर्ट ठीक है तो हमें एक तरीके से कौन सी वैल्यू पूछी गई है ए ट्वेंटी की वैल्यू पूछी गई मतलब ट्वेंटी टर्म तो देखो हमारा सम का फॉर्मूला क्या, क्या होता है एस एन इज इक्वल टू में क्या होता है एन अपॉन एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन एन टू में डी ये होता है बस इसी फॉर्मूले में अपोर्ट कर देंगे हमारे पास देखो ए के है हमारे पास जनरल फॉर्म में फाइंड किया करना है ए प्लस 19d ये हो जाएगा हमारा इसका जनरल ए की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू ए की वैल्यू है बट डी की वैल्यू नहीं है हमारे पास देखो इसमें हमारे पास एस एन की वैल्यू के वन है एन की वैल्यू फोर्टीन हो जाएगी ए की वैल्यू हो जाएगी बच्चे कौन हमारा वीर वाला अकेला डी तो बस डी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से और इसमें पुट कर देंगे तो यहां पर लिखेंगे एस एस एन कितने वन थाउजेंड फिफ्टी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर्टीन अपॉन में टू टू ए टेन प्लस एन माइनस वन फोर्टीन माइनस वन डिफ्रेंस की वैल्यू फाइंड करना है ये इसको एज लिख देंगे इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना बचेगा सेवन बचेगा तो वन जीरो वन जीरो फाइव जीरो को एज एज लगा सेवन इसका इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना होगा ट्वेंटी प्लस इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा थर्टीन डी इस तरीके से बच किया जाएगा अब देखो हम सेवनटीन को इधर ले आते हैं एक तरीके से हम सेवन को यहाँ ले आए और ये सेवन हमारा कैसा हो जाएगा डिवाइडेड में हो जाएगा तो सेवन बन जा सेवन तो यहाँ पे कितना बचेगा सेवन वन जा सेवन बचा कितना थ्री सेवन फाइव जा थर्टी फाइव तो यहाँ सेवन फाइव जा थर्टी फाइव ये जीरो ऐसे टेस्ट तो कच्चा बचेगा वन फिफ्टी एजी इक्वल टू में क्या बचेगा टेन प्लस थर्टीन डी ये इतना बचेगा टेन प्लस थर्टीन डी अब देखो इसको इधर करते हैं आगे ठीक है अब देखो इसको इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा वन फिफ्टी माइनस ट्वेंटी वन फिफ्टी माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू में क्या होगा थर्टीन अब इसको इधर लाएंगे इसमें से माइनस का लेंगे वन इस तरीके से बचेगा वन अंदर थर्टी बचेगा थ्री थर्टीन डी को थर्टीन से थर्टीन कैंसिल डी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी टेन हमारा डिफरेंस कितना आ गया टेन और हमारे पास कौन सी टर्म करना है ए ट्वेंटी टर्म फाइंड करना है सो ए प्लस नाइन डी इस तरीके से हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है टेन प्लस नाइन एन टू में डी डिफरेंस कितना है टेन अब वन टेन प्लस इसके साथ प्लस किया तो वन नाइन्टी इज इक्वल टू में हमारे पास कितनी आ गई ट्वेंटी 200 तो हमारी 20 टर्म कौन सी है 200 है so, सो लिखेंगे सो so, द हमारे कौन से 100 द 20 टर्म इज हमारे पास 20 टर्म कितनी आ जाएगी बच्चों 20 टर्म हमारी हो जाएगी हमारी 200 हो जाएगी इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 खत्म होता है तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 तो देखो बच्चों अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर थर्टीन एग्जाम्पल नंबर थर्टीन में क्या दिए हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन ए पी मस्ट बी टेकन सो दैट आर सम सेवेंटी एट कि देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है हम ऐसी कितनी टर्म्स लें कितनी ये हमारी ए पी इसकी टर्म्स हैं कितनी टर्म्स लें जिससे हमारा उन सारी उन टर्म का सम कितना चाहिए सेवेंटी एट आ जाए तो एक तरीके सेवेंटी एट आ जाए कितनी टर्म्स ले तो एक तरीके से हम एन की वैल्यू फाइंड कर लें मान लेते हैं एस एन एन की वैल्यू हमने मान ली सेवेंटी एट मान ली अब यदि देखो एन की वैल्यू पता चल जाएगी तो उससे पता चला जाएगा ये कितनी सम का टर्म दिया है तो मान लिए जितनी सम का टर्म होगा एन की वैल्यू क्या होती है नंबर और टर्म्स और सम का क्या होता है सम अब इसी तो ये क्या होता है सम लास्ट सम एक तरीके सम ही तो पूछा है मान लिए तो एस एन सम पूछा है ना क्या सम पूछा है सेवेंटी एट हमसे सम पूछा है तो यदि हमारी एन की वैल्यू कोई भी क्या सी वन टू थ्री फोर इस तरीके से इंटीजर आ गई पॉजिटिव इंटीजर आ गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये कोई ना कोई सी हमारी सम की टर्म हो गई जैसे कि ये ये कैसी हमारी ए दी गई है अब ये ये पता नहीं है कौन सी ए इन इन चार ए पी ओ का सम दिया है या दस ए का हमने एन की वैल्यू फाइंड कर ली तो यदि होगा यदि एन की वैल्यू हमारी कैसी आ गई होगी पॉजिटिव इंटीजर आ गई तो इसका मतलब होगा ये सम है हमारा कोई कोई सी ना कोई सी टर्म का सम होगा एक तरीके से हमारे लिए एन की वैल्यू फाइंड करना है ठीक है तो उस हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी ट्वेंटी फोर और डिफरेंस का हमारा क्या हो जाएगा ए टू माइनस ए वन ए टू कितना दिया है हमारे पास ट्वेंटी वन माइनस फोर्टीन एज इक्वल टू में हमारा कितना बचेगा यहाँ पे बच जाएगा थ्री माइनस थ्री का बच जाएगा तो देखो हमारा सम का फार्मूला क्या हो जाएगा एन अपॉन में टू टू ए प्लस एन माइनस वन एन टू में डी ये हमारा सम का फार्मूला हो जाएगा एस एन कितना दिया है सेवेंटी एट इक्वल टू में एन की वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पे टू ए की वैल्यू कितनी आई हमारी ट्वेंटी फोर है प्लस एन की वैल्यू फाइंड करना है माइनस वन डिफरेंस डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है माइनस थ्री ठीक है हमने माइनस थ्री कर इसको साइड ले जाएंगे तो इसके साथ इंडू जाएगा तो क्या जाएगा एट टू जो सिक्सटीन और यहाँ पर जाएगी पावर वन सेवन टू जो फोर्टीन और एक फिफ्टीन और अब देखो हमने एन को एज इट इज लिखा अब इसके साथ इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा हमने इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना जाएगा फोर्टी एट ठीक है प्लस और इस देखो अब ये थ्री का इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस थ्री एन देखना बातचीत माइनस माइनस कैसा हो जाएगा हमारा प्लस इस तरीके से हो जाएगा ना अब देखना अब यहाँ पे वन फिफ्टी सिक्स एजट इज़ लिखा अब इसको थोड़ा और सिम्प्लीफाई रखते हैं एन की वैल्यू ऐसे लिखा थोड़ा अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिफ्टन माइनस थ्री एन इस तरीके से हो जाएगा हमारा अब यहाँ पे वन फिफ्टी सिक इसको एजट इज लिखा अब यहाँ पे लिखेंगे एन की वैल्यू हो जाएंगे इस तरीके से हो जाएगा और माइनस थ्री एन इसको इस तरीके से हो जाएगा अब इसको थोड़ा अरेंज में जमा लेते हैं इसका अलग माइनस थ्री एन स्क्वायर माइनस फिफ्टी वन एन और ये इसको इस साइड ले आएंगे इसको इसी इसी साइड ले आएंगे तो माइनस वन फिफ्टी सिक्स इस तरीके से हो जाएगा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा जीरो अब इनमें से कॉमन ले लेते ले हैं ले हम कॉमन ले लिया इसको देखो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं यहाँ से हमने कॉमन ले लिया माइनस का साइन कॉमन ले लिया और इसमें से हम ले सकते हैं क्या थ्री कॉमन आएगा हाँ इनको प्लस करके देख रहा है हमारा थ्री भी कॉमन आ जाएगा हमने यहाँ से थ्री भी कॉमन ले लिया अब अंदर क्या बचेगा एन स्क्वायर साइन चेंज हो जाएगा माइनस माइनस क्या था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ये माइनस थे ये हमारा सॉरी ये प्लस का था देखो ये प्लस का था तो ये कैसा हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा यहाँ पे ये यह कैसा हो जाएगा माइनस देखो यहाँ ये यह, हमने इसको एज इट इज इसको एज इट इज़ बस इसको ये इस साइड ले आए ठीक है इसलिए ये कैसा हो गया था हमारा माइनस का अभी यहाँ पे कैसा हो जाएगा ये माइनस का फिफ्टी वन हो जाएगा माइनस का फिफ्टी वन इसमें से कॉमा ले लेंगे हमने फिफ्टी वन में से कितना कॉमा ले सकते हैं तो हम यहाँ से इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे थ्री वन जा थ्री थ्री सेवन या ट्वेंटी वन तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे सेवनटीन एन लेकिन सेवनटीन इन टू टू करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा फिफ्टी वन और यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस साइन चेंज हो गया तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा प्लस तो इसमें से फिफ्टीन थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री टू जो सिक्स फिफ्टी टू और यहाँ पे क्या ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा प्लस जीरो इज इक्वल टू में ज़ीरो इस तरीके से हो जाएगा या फिर हम मान लेते हैं ये हमारा ब्रैकेट हो जाएगा अब क्या करेंगे दोनों साइड माइनस थ्री बाय और माइनस थ्री वन बाय थ्री का डिवाइड करेंगे तो हमारा ये क्या क्या जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा माइनस वन बाय थ्री तो हमारी इक्वेशन ये इतनी आ जाएगी अब क्या करना है एन की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड मतलब कि इन दोनों का इंटू करेंगे वन इंटू फाइव अब प्लस माइनस करने पर हमारा सेवनटीन आना चाहिए क्या प्लस माइनस करने पर हमारा सेवेंटी आना चाहिए दो नंबर्स का स्प्रेड और इंटू डिवाइड करने पर करना चाहिए फिफ्टी टू तो हम क्या करेंगे इस फिफ्टी का एल ले लेंगे जो यहाँ पर इन दोनों का फर्स्ट और लास्ट हम का इंटू करते हैं यहाँ पर कहते हैं सबसे पहले करेंगे टू से टू सबसे पहले टू से करेंगे टू फोर या टू टू या फोर और यहाँ पे क्या करेगा सिक्सटीन तो यहाँ पे बचेगा ट्वेंटी सिक्स फिर अगर इनसे टू किया तो यहाँ पे थर्टीन और ये थर्टी सेल्फ की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता अब देखो थर्टीन प्लस फोर करेंगे तो हमारे लिए कितना मिला लास्ट सेवनटीन थर्टीन इंटू फोर करेंगे तो हमारे लिए कितना बनेगा फिफ्टी टू ही मिलेगा तो इसके मतलब क्या हो जाएगी हमारी ये दोनों टर्म हो जाएगी थर्टीन और फोर्टीन तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन स्क्वायर को तो एज एडस लिखेंगे माइनस साइन माइनस साइन देखो जो हमारा माइनस साइन है उसको भी एज एजेंडेस लगा ये एन की वैल्यू हमने एज एडेस लिखी अब ये सेवनटीन तो यहाँ यहाँ पे क्या लिखे थर्टीन प्लस फोर प्लस फिफ्टी थ्री इज इक्वल टू में फिफ्टी टू इज इक्वल टू में जीरो बस सिंपल है तो यहाँ पे लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस थर्टीन एन और ये माइनस माइनस क्या जाएगा माइनस फोर एन अब देखो ये दोनों वापस कितने बारे है हमारे सेवन एन सेवनटीन एन थर्टीन थर्टीन एन प्लस फोर एन इस्वल टू में सेवन एन ही मिलेगा और हमने यहाँ पे फिफ्टी टू एजर्स लिख लिया तो यहाँ पे लेके एन की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो इसमें सब दो दो का पेयर बनाएंगे कॉमन लेंगे तो इसमें से हमारा कॉमन क्या आएगा एन माइनस थर्टीन तो दूसरी में से हमें साइन क्या कॉमन लेना पड़ेगा माइनस का क्योंकि अंदर हमारा कैसा है माइनस का तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फोर कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा एन माइनस थर्टीन थर्टीन बचेगा इज इक्वल टू हमारा क्या होगा जीरो अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है एन माइनस थर्टीन ये दोनों बच जाएंगे ऐसे तो लिख देंगे एन माइनस फोर इक्वल टू में मारा क्या हो जाएगा जीरो तो अब एक साथ एन माइनस थर्टीन इज इक्वल टू में जीरो और दूसरी बात एन माइनस फोर इज इक्वल टू में जीरो तो मान ली एन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी थर्टीन कॉमा और दूसरी बार एन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी फोर क्या एन की दो वैल्यू पॉसिबल है नहीं एन की वैल्यू हमारी एक ही आ सकती है जो हमारी एन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट लेकिन यहाँ पर एन की वैल्यू दो पॉसिबल इसमें बता रहे हैं एन हमारा किस जगह हो सकता है या तो उसमें बता रहा है एन हमारा सेवेंटी सम कितना है थर्टीन सम का भी बता रहा है और साथ में फोर्थ टर्म का भी बता रहा है लेकिन इस तरीके से तो हो नहीं सकता तो हमारी क्या हुआ है एक ही सम का तो हम यहाँ पर रीज़न क्या अंदर कह तो लेंगे सो द नंबर ऑफ टर्म नाइदर थर्टीन और 4. ना इधर फोर ना ही हमारी कितनी हो सकती है ना ही फोर हमारी हो सकती है और ना ही हमारा थर्टीन हो सकती है क्यों एन की वैल्यू कभी दो पॉसिबल ही नहीं है एन की वैल्यू क्या सिर्फ एक आती तो इसका मतलब होता जो हमारा सम सेवेंटी एट जरूर होता कोई ना कितनी कितनी जितनी भी है टर्म है उनमें से कुछ ना कुछ टर्म का सम जरूर होता लेकिन नहीं हुआ क्यों एन की वैल्यू दो आ रही है इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्टीन ख़त्म होता है तो अब हम करेंगे एग्ज़ाम्पल फोर्टीन देखो बच्चों अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन देखो एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन में क्या दिया फाइंड द सम सम फाइंड करना हमारे लिए फर्स्ट थाउजेंड पॉजिटिव इंटीजर्स का और दूसरे में क्या करना फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला कितने सम का फाइंड करना पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं जो हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं वन से होते हैं जो हमारी एक तरीके से स्किल नंबर होती है वन टू और जो कंप्लीट नंबर होते हैं एंड सो ऑन इस तरीके से हमें कहाँ तक फाइंड करना है वन थाउजेंड तक है तो एक तरीके से हमारी ए पीस क्या बन जाएगी ए पीस हो जाएगी वन टू थ्री फोर एंड अप टू सो वन कितने थाउजेंड थाउजेंड तक फाइंड करना है देखो ए की ए वन पे हमारा ए है ए टू पर हमारा टू है ए थ्री पे थ्री है तो ए थाउजेंड भी हमारा क्या होगा थाउजेंड होगा तो यहाँ से हमारे लिए एन की वैल्यू कितनी मिल जाती है थाउजेंड मिल जाती है और ए की वैल्यू हमारे लिए कितनी मिल जाती है वन और डिफरेंस हमारा क्या, क्या? क्रिएट हो जाता है डिफरेंस क्या बन जाता है हमारा ए टू माइनस ए वन ए टू माइनस ए वन ए टू हमारा कितना दिया है टू माइनस वन तो हमारा डिफरेंस कितने का आ रहा है एक एक का ही आ रहा है आप देखो एक नंबर बढ़ते जा रहा है ठीक है डिफरेंस कितना आ रहा है वन वन का आ रहा है हमें सम फाइंड करना है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है सम का एस एन एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन एन टू में डी ये हमारा फॉर्मूला होता है तो बस सम सम कितनी सम टर्म का फाइंड करना है थाउजेंड थाउजेंड एन की वैल्यू कितनी दी है एन की वैल्यू भी हमारे पास थाउजेंड दिए टू ए हमारे पास बन है एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दिए हैं थाउजेंड माइनस सॉरी सम फाइंड करना है हमारे पास सम नहीं के बन है सम ही तो हमको फाइंड करना है ये तो हमारे पास क्या था थाउजेंड क्या था हमारे पास एन की वैल्यू के बन थी थाउजेंड टर्म लेकिन इनका सम थोड़ी के बन है हमारे पास टर्म नहीं थी थाउजेंड तो डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा बन आ जाएगा इससे इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा फाइव हंड्रेड और यहाँ पर टू प्लस इन टू में इसका इसके साथ करेंगे नाइन्टी नाइन इंटू में वन मतलब नाइन्टी नाइन ही हो जाएगा ठीक है वन का इंटू करने का कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे फाइव हंड्रेड और यहाँ पर इसके साथ अब क्या करेंगे टू प्लस कर देंगे देखो जैसे ही हमने टू प्लस किया तो हमारे पास ये कितना जाएगा वन थाउजेंड वन वन थाउजेंड वन वन थाउजेंड नाइन्टी नाइन कितना नाइन्टी नाइन था इसमें टू प्लस कर दिया तो कितना होगा वन वन अब वन वन का इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना आएगा फाइव डबल ज़ीरो फाइव डबल जीरो ये क्या हो जाएगा सम यहाँ पे लिखेंगे सो सो द सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट थाउजेंड टर्म इज हमारे पास सब कितना है फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड ठीक है इतना आ जाएगा इसमें मतलब फाइव लेख फाइव हंड्रेड ठीक है अब उसी के साथ हम देखो आप सेकंड करते हैं सेकंड वाला देखो सॉल्यूशन नंबर सेकंड अब की बार पूछा फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि एन पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट क्या होती है वन तो हमारी ए तो देखो इस तरीके से बनेगी ए ए पीस ठीक है इस तरीके से बढ़ रही वन टू थ्री एंड सो ऑन अप टू एन नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए कितनी फर्स्ट एन टर्म्स एन टर्म्स इतनी अप टू एन हमको नहीं पता कहाँ तक चाहिए तो एन की वैल्यू हमने एज इट इज़ एन लिख दिया ठीक है ए पीस तो हमारी इस तरीके से तो हमारे लिए देखो ए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी वन ठीक है और हमारी डिफरेंस कितना हो जाएगा डिफरेंस भी एक एक का वाला तो डिफरेंस ही वन अख्की बार एन की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है एन ही होगी क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं पता पता नहीं लास्ट टर्म हमारी क्या होगी और हमारे पास ए एन एक तरीके से हमारी लास्ट टर्म भी क्या हो रही है एन ही हो रही है क्यों लास्ट टर्म भी यही है हमारी और नंबर ऑफ टर्म्स मान लीजिए हमको नहीं पता तो तब भी तो हमें एन ही लिखेंगे और लास्ट टर्म हमारी क्या होगी एन होगी क्योंकि एन टर्म्स का हमारे लिए फाइंड करना तो सम फाइंड करते हैं उसका भी करना है यहाँ पर भी हमें लिखना था देखो सम करना ये भी क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन फर्स्ट एन पॉजिटिव इन का तो सम का फॉर्मूला क्या होगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन एन टू में क्या हो जाएगा डी अब देखो सम एस एन की वैल्यू सम फाइंड करना है तो हमने एस एन को एज इज लिखा ठीक है एन एन को हमने एज इज लिखा ठीक है देखो इसको एक तरीके से ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं एस एन एज इक्वल टू में एन अपॉन टू ए प्लस एल आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज करोगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये दोनों ही सही तरीके हैं ठीक है थीके? हमने यहाँ पे पहले सी को बता दें ए प्लस लास्ट टर्म कितनी है थाउजेंड है देखो ये दूसरा तरीका था जो कि हम इस तरीके से भी हमारा देखो ये कैंसिल करेंगे तो फाइव हंड्रेड इसमें से अब हमारा क्या हो जाएगा इसमें ऐड कर देंगे तो क्या वन जीरो वन ये थोड़ा और ईजी तरीका हो जाएगा तो आपका सिंपल आंसर इस तरीके से निकल आएगा क्या जाएगा फाइव फाइव लैक फाइव हंड्रेड ये इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे दोनों फार्मूले वैसे तो आप ये वाला यूज़ करना मैं थोड़ा भूल गया था ठीक है आप ये वाला यूज़ कर लेना जिससे क्या ना आपका जल्दी हो जाएगा अब इसमें भी हमारे लिए सेम फार्मूला यूज़ कर सकते थे जो हमने यहाँ पे यूज़ किया पहले हम इसको करके कर देख लेते हैं ठीक है एन की वैल्यू हमारी नहीं पता तो एन की एज इट इज़ टू ए हमारे पास कितना दिया है वन तो वन प्लस एन की वैल्यू क्या दी नहीं पता माइनस वन डिफरेंस कितना दिया है वन ठीक है एन टू की टू प्लस एन इसको देखो इसमें से क्या करेंगे इसको इसमें से टू किया तो क्या आ जाएगा एन माइनस वन माइनस वन एज इट इज अब यहाँ पे लिखेंगे टू एन टू देखो माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा एन माइनस वन एन माइनस प्लस वन क्योंकि देखो एन को एजेट एस माइनस वन प्लस वन तो एक तरीके से हमारा ये भी फॉर्मूला बन किया जाता है एन पॉजिटिव अब हमारे लिए मान लीजिए हमारे लिए कितनी एन की जगह एलेवन पूछा होता तो आप सीधे यहाँ पर एलेवन की वैल्यू पुट कर देंगे और दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या था आप इससे करना एस एन इज इक्वल टू में क्या हुआ है एन अपॉन टू ए प्लस एल ये वाला फार्मूला होता है हमारी एन की वैल्यू एजट एस बनी रही फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी दी है वन तो हम यहाँ पर सीधा लिख देंगे वन लास्ट टर्म हमारी कितनी दी है एन तो हमारा देखो सेम फार्मूला आ रहा है एन की आगे पीछे वैल्यू लिख सकते हो क्योंकि प्लस में है तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन ख़त्म होता है तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन तो देखो बच्चों अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन देखो एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन में क्या दिया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20, ट्वेंटी कितना दिए 24 टर्म्स हमको क्या करना? करना है सम फाइंड करना है फर्स्ट 24 टर्म्स का ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज एन टर्म्स इज हमारे पास एंथ टर्म के बने आपकी बार ये क्या है हमारी एंथ टर्म के बारे अब देखो हमारे पास एंथ टर्म के बारे में एन क्या बोलते हैं एन की वैल्यू हमेशा हो, कैसी होती है वन टू थ्री फोर इस तरीके से हमारी हमेशा एन की वैल्यू होती है और हमसे पूछा क्या फर्स्ट ट्वेंटी टू टर्म का ट्वेंटी फोर टर्म्स का सम फाइंड करना है तो देखो एक तरीके से हम आप यहाँ पे देखो सॉल्यूशन करेंगे अब हमारे लिए क्या ए एन की जगह हम वन पोट करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी ए वन एन की वैल्यू वन एन की जगह हमने फर्स्ट करेगी तो हमारी एन की वैल्यू वन मिल जाएगी मतलब एन की वैल्यू हम वन पोट करेंगे तो ए फर्स्ट टर्म हमारे लिए मिल जाएगी इस तरीके से तो यहाँ पर थ्री प्लस टू की जगह वन पोट करेंगे तो वन तो हमारी पहली टर्म कितनी हो जाएगी फाइव अब हमें ए टू फाइन करना है तो हम एन की जगह टू पोट करेंगे तो एक तरीके से हमारी टू तो लेकिन टू और यहाँ पर यहाँ पे भी टू लिख देंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे थ्री प्लस फोर सेवन ठीक है और ए थ्री फाइन करेंगे ए थ्री हमारा कितना थ्री प्लस टू इंटू थ्री तो यहाँ पे लिखेंगे थ्री प्लस सिक्स इज इक्वल टू में हो जाएगा नाइन सो यहाँ पे लिखेंगे सो द लिस्ट ऑफ नंबर हमारी सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स एज हमारी लिस्ट की क्या बढ़ रही है फाइव सेवन नाइन एंड सो ऑन इस तरीके से वनते जाएगी अब पहले चेक करते हैं इनमें कॉमन डिफरेंस सी मारा रहा क्या डिफरेंस सेवन माइनस फाइव ए टू माइनस ए वन किया तो हमारा डिफरेंस कितने का आ रहा है टू डी वन मान लेते हैं और डी टू इसको मान लेते हैं नाइन माइनस सेवन सॉरी अब की बार ऐसा करेंगे क्या लगते हैं पहले बड़े में छोटा माइनस कर दिया हमने उल्टा लिख दिया पहले ए टू माइनस ए टू माइनस ए वन तो हमारा कितना आ रहा है पॉजिटिव टू आ रहा है उसी तरीके से ए थ्री माइनस ए टू तब भी हमारा क्या आएगा टू आएगा डिफरेंस तो हमारा सेम आएगा हमें तो सिर्फ पता आना था ये हमारी ए पीस बढ़ थी बस एक बार आपको डिफरेंस निकालना था ठीक है सो यहाँ पे देते सो लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख देते इस तरीके से और डिफरेंस हमारा कितना जाएगा टू और हमारी फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी फाइव हो जाएगी ठीक है फाइव हो जाएगी और हमें फाइंड क्या करना है ट्वेंटी टू टर्म का सम फाइंड करना है अब बस एस एन और एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है ट्वेंटी फोर का तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्वेंटी फोर हो जाएगी एस एन एज इक्वल टू में क्या हो जाएगा एन अपॉइन टू टू ए प्लस एन माइनस वन एन टू में डी इस तरीके से सम कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है फोर्टीन टर्म का तो एस फोर्टीन इज इक्वल टू में फोर्टीन अपॉन में टू ए ए हमारा कितना आ रहा था ए हमारा कितना है फाइव फाइव प्लस एन कितनी टर्म्स हैं फोर्टीन माइनस वन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है डिफरेंस हमारा आ रहा है टू तो हम यहाँ पर सीधा लिख देंगे टू ठीक है अब इसको इसमें से कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना बचेगा सेवन सेवन बचेगा टू इन फाइव टेन प्लस फोर्टीन माइनस वन थर्टीन इंटू टू इट इज ठीक है इज इक्वल टू सेवन इट इज टेन प्लस थर्टीन इंटू टू ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा सेवन और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होएगा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स हो जाएगा और यहाँ पे देखो इसके साथ करेंगे सेवन इंटू टू सेवन इंटू टू सेवन इंटू सिक्स फोर्टी टू यहाँ पर क्या टू फोर टू बचेगा सेवन थ्री या ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस फोर ट्वेंटी फाइव सो कितनी आ गई हमारे पास फोर्टीन सम का कितना आ गया टू हंड्रेड so फिफ्टी टू सो लिख देंगे सो द सम ऑफ सो द सम ऑफ फर्स्ट फोर्टीन टर्म इज़ टू हंड्रेड फिफ्टी टू हमारे पास कितना सम आ गया टू हंड्रेड सम आ गया देखो बस आप लोगों को कुछ नहीं करना था इसमें बस n की वैल्यू याद रखना थी हमें यहाँ पे a की वैल्यू बन रखेंगे तो हमारे पास a बन निकाला आएगा ए टू निकल आएगा ए थ्री निकल आएगा सिंपल उस तरीके से हमारी लिस्ट बन जाएगी ए की वैल्यू निकालना डी की वैल्यू लिखना है एन की वैल्यू के बन करना है और सीधा फॉर्मूले में पुट करना है ठीक है तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर सिक्सटीन तो देखो बच्चों अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर सिक्सटीन जो कि हमारा लास्ट है देखो एग्जाम्पल नंबर सिक्सटीन में क्या दिया है अ मैन्युफैक्चर ऑफ टी वी सेट्स प्रोड्यूस सिक्सटी सेट्स इन थर्ड ईयर एंड सेवेंटी सेट्स इन सेवेंथ ईयर देखो क्वेश्चन में क्या दिएगा एक कोई कंपनी है जो क्या करती है टी वी को मैन्युफैक्चर करती है मतलब टी वी को बनाती है तो वो तीन साल में कितने सेट्स से बनाती हैगी छः सौ सेट्स बनाती है और इसी तरीके सात साल में वो कितने सेट्स बनाती हैगी सात सौ सेट्स बनाती है एज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बाई अ फिक्स नंबर एवरी ईयर फाइंड जो हमें एज्यूम करना है मान के चलना है कि मतलब यूनिफॉर्म का मतलब होता है बराबर जो हमारा यूनिफॉर्म बराबर इंक्रीज़ होते जा रहे हैं इस तरीके से एकदम बराबर इंक्रीज़ होते जा रहे हैं पर ईयर बराबर क्या से होता है एकदम फिक्स ईयर से इंक्रीज होते जा रहे हैं तो हमें फाइंड करना है फाइंड द प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन फाइंड करना है टेंथ ईयर का प्रोडक्शन फाइंड करना है और टोटल प्रोडक्शन फाइंड करना है एक तरीके से सम करना है सात साल का तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है देखो सबसे पहले आप देखो हमारे पास गिवन क्या है फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे हमारे पास गिवन क्या है थर्ड ईयर का तो मतलब उसी को हम क्या मान सकते हैं ए थ्री ए थ्री का कितना दिया है सिक्स हंड्रेड दिया है और सेवन सात साल का प्रोडक्शन हमारी कितना दिया है सेवन हंड्रेड का दिया है। हमें फाइंड करना फर्स्ट ईयर मतलब ए वन की वैल्यू फाइंड करना है जिसको हमने ए थ्री माना है ए सेवन सात साल को तो ए वन वो क्या हो जाएगा उसी तरीके से टेंथ ईयर की बात की जाए तो टेन ईयर का फाइंड करना है टोटल की बात कर रहा है यहाँ पर टोटल करना है सात ईयर का तो सम हमारा कितना हो जाएगा सेवन ऐसे हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी सेवन हो जाएगी तो देखो अब इसको किस तरीके से यदि हमको ए की वैल्यू पता हो और किसकी पता हो डी की वैल्यू पता हो तो हम इन सारों को फाइंड कर सकते कैसे a प्लस नाइन डी जनरल फॉर्म से ये मिल जाएगा उसी तरीके से इसमें भी हमारे पास n की वैल्यू के बाद है ए और d की मिल जाएगी तो हम ये भी फाइंड कर सकते हैं तो देखो बच्चों करना क्या है इसमें तो सबसे पहले हमें ये इस तरीके से फॉर्मूला a प्लस इसका जनरल फॉर्मू क्या हो जाएगा a प्लस डू डी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है थ्री हो जाएगा तो इसका जर्नल फॉर्म में हमने थ्री की जगह यहाँ पर क्या लगते हैं सिक्स हंड्रेड इसी तरीके से हमारा इसका जनरल फॉर्म क्या हुआ ए प्लस सिक्स डी इजल टू में होगा क्या हो जाएगा सेवन हंड्रेड इस तरीके से हमने इसके जनरल फॉर्मूले इसमें रख दिए अब क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे से तो ये माइनस कर दिए हमारे ठीक है तो ये दोनों तो हमारे कैसे हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस फोर डी इजल टू में यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का हंड्रेड माइनस से माइनस साइन कैंसिल फोर फोर टू या एट तो यहाँ पर टू बचेगा फोर फाइव या ट्वेंटी तो डिफरेंस हमारा कितना आ गया है डिफरेंस आ गया हमारा ट्वेंटी फाइव अब क्या कर हैं ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट थी और ये हमारी क्वेश्चन नंबर टू थी ठीक है अब क्या करते हैं ए की वैल्यू फाइंड करना है तो किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन ए क्वेश्चन हम फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं फर्स्ट में पुट कर दिया फर्स्ट वाली क्वेश्चन किया ए प्लस टू डी इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया सिक्स हंड्रेड ठीक है ए की वैल्यू हमने एज इट इज़ लिखी ए प्लस टू इंटू में डी डिफरेंस हमारा कितना दिया है ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा हमारा सिक्स हंड्रेड ए इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा सिक्स हंड्रेड और ये ट्वेंटी फाइव इंटू टू फिफ्टी फिफ्टी माइनस अब देखो इस साइड ले जाएंगे फिफ्टी तो कैसा होगा माइनस का तो इस तरीके से हमारा ए सेवन कितना जाएगा फाइव हंड्रेड फिफ्टी तो ये फाइव हंड्रेड फिफ्टी क्या आ गया ये फाइव हंड्रेड फिफ्टी आ गया हमारा पहले साल का प्रोडक्शन सो सो यहाँ पे लिख देंगे सो so, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर हमारा फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है 550 का प्रोडक्शन हुआ था अब उसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर टू में पूछा है क्या हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन नंबर यहां पर टू लिख देते हैं सॉल्यूशन नंबर टू में क्या पूछिए हमको प्रोडक्शन फाइंड करना है दस ईयर का तो हमारा ए टेन तो ये जो हमारा ए टेन है ये ए टेन किसके बराबर हो जाएगा ए प्लस नाइनडी ये जनरल फॉर्म में लिख देंगे ए टेन को तो ए टेन इज इक्वल टू में ए हमारा किस तरीके से देखो ए कितना आता फाइव हंड्रेड फिफ्टी तो हम लिखेंगे फाइव हंड्रेड फिफ्टी हमने फाइव हंड्रेड फिफ्टी लिख दिया प्लस देखो बच्चों नाइन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है डिफरेंस हमने अभी फाइंड किया था ट्वेंटी फाइव तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू में ट्वेंटी फाइव तो लिखेंगे प्लस ट्वेंटी फाइव इंटू नाइन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और टू हंड्रेड ट्वेंटी को ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा सेवन हंड्रेड सेवेंटी फाइव सो तो यहाँ पर लिखेंगे सो so, द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन इन द टेंथ ईयर तो हमारा कितना प्रोडक्शन इज 775 कितना प्रोडक्शन हो रहा था हमारा 775 देखो बच्चों इतना समझ में आया अब देखो अब हम फोर्थ वाला करते हैं अब हम लास्ट वाला और करेंगे लास्ट वाले में क्योंकि इसको पहले मैं रफ करता हूं ठीक है अब देखो लास्ट में क्या कहती है टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट सेवन ईयर का पूछा है क्या पूछा था यहाँ पे फर्स्ट सेवन ईयर का ठीक है हमको सेवन ईयर का प्रोडक्शन बताना है टोटल तो मतलब एक तरीके से सम बताना है तो देखो हमारी ए की वैल्यू क्या आ रही थी सॉल्यूशन हमारा क्या था सॉल्यूशन हमारी ए की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी ए की वैल्यू आ रही थी 550 आ रही थी ठीक है और डिफरेंस हमारा कितना आ रहा था डिफरेंस आ रहा था हमारा

सेवन माइनस सिक्स इन टू में फाइव ठीक है अब इसको थोड़ा इधर करते हैं अब देखना सेवन अपॉइंट एस एन एजीकल टू में हमने क्या लिखा सेवन अपॉइंट टू को एज एट इज़ लिखा ठीक है अब यहाँ पे एज इसको भी एज एट इज़ लिखेंगे एवन हंड्रेड और इन दोनों का इंटू टू करेंगे तो कितने टाइम होगा वन फिफ्टी वन फिफ्टी हो जाएगा टू में क्या होता है सेवन अपॉइंट में वन फिफ्टी इसके साथ प्लस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे हो जाएगा वन वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी अब क्या करते हैं इसको टू से कैंसिल कर देते हैं टू सिक्स जा ट्वेल्व टू टू जा फोर मतलब टू से और यहाँ पे कितना बचेगा फाइव तो हम जगह सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इन टू में क्या कर देंगे हम सेवन कर देंगे सेवन फाइव जा थर्टी फाइव सेवन टू जा फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन तो यहाँ पे होगा सेवन वन वन यहाँ पे कितना होगा वन होएगा और सेवन सिक्स ज़ा फोर्टी टू फोर्टी टू एक फोर्टी थ्री तो इस तरीके से हो जाएगा सो द टोटल so प्रोडक्शन इन फर्स्ट सेवन ईयर इज क्या कहेगा फोर हंड्रेड फोर थाउजेंड तो यहाँ पे क्या था, था ना हो जाएगा हमारा फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव तो इसी के साथ हमारे सारे एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं इतने ही थे हमारे टोटल एग्जाम्पल सिक्सटीन इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में